हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डीएस गौतम। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। आज मैं आपको नो सूनर का प्रयोग समझाने वाला हूं, जो बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। नो सूनर के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, नो सूनर के साथ डिड का भी प्रयोग करते हैं, दोनों के साथ देन का प्रयोग होगा। देन THAN वाला होगा, EN वाला नहीं होगा। और इन सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं घर पहुंचा कि वैसे ही बारिश शुरू होने लगी, जो ही मैं घर पहुंचा त्यों ही बारिश शुरू होने लगी, मैं घर पहुंचा ही था कि बारिश शुरू होने लगी। इस तीन तरह से सेंटेंस आ जाए, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, इस तरीके से बना दीजिएगा। मैं आपको बहुत छोटे से वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज समझा रहा हूँ, देखिएगा। नो सूनर के साथ क्या रखना है, हेड लगानी है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड, याद रखना, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद देन, और उसके बाद जो भी सेंटेंस जिस सेंटेंस में है अपने सेंटेंस में रहे। नो सूनर के साथ डिड का भी प्रयोग करते हैं, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको भी पता है, और देन लगाना है, और उसके बाद सेंटेंस रखना है। और फिर देखिएगा एग्जाम्पल, अब बहुत सिंपल वे में समझा दे रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में बहुत सारा प्रयोग मिलता है। छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूँ, समझिएगा। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा कि ट्रेन चलती, नो सूनर हैड, जैसे ऊपर बताया था उसी तरह से, नो सूनर हैड आई रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट द स्टेशन। देन लगाया हमने THAN वाला, मैं फिर बता रहा हूँ, THEN नहीं, ये कंडीशन में EN करके पूरे सेंटेंस को एरर में पूछ लेता है, तो AN वाला लगेगा इसमें, द ट्रेन लेफ्ट या ट्रेन स्टार्टेड, आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप जैसे ही उसने होमवर्क पूरा किया, वह टीवी देखने लगा, नो सूनर हैड ही फिनिश्ड होमवर्क देन ही स्टार्टेड वॉचिंग टीवी। तो ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, नो सूनर हैड और नो सूनर डिड का प्रयोग मैंने आपको दिखाया।